नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी को, देखिए एक साल का टाइम जो है वो एक साल इस गाड़ी को लिए हुए हो गया और इसका एक साल का पूरा ओनरशिप रिव्यू आपको बताएंगे। इस गाड़ी में क्या क्या खास है, केवल इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वही शेयर करेंगे क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो बहुत बार मैंने शेयर कर दिए आप लोगों के साथ में, तो इसका रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट में। अगर इसके इंजन की बात करें तो देखिए दोस्तों, तो इसका इंजन जो है वो 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये मैग्नाइट एक्सी है गाड़ी दोस्तों, तो इसका जो ये जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। और इसमें जो टोटल इसका जो इसका पावर आउटपुट है दोस्तों वो है लगभग 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क है दोस्तों इसमें। तो इसमें अगर हम देखिए दोस्तों, अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो एक ही दिक्कत है, इसमें सिटी में अगर आप इसको फुली लोडेड चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको पावर लैग मिलेगा और जो गियर शिफ्टिंग है मतलब उसमें सेकंड थर्ड गियर में अगर आप उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग महसूस होता है। अदरवाइज़ तो इस जो आपको पता ही लगेगा ये 1000 cc का इंजन है, बाकी इसके हाईवे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और अभी तक इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पावर इसकी जो आउटपुट है उससे लेके इससे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। अब देखिए दोस्तों, देखिए जो इसका जो इंजन है वो इस तरह का आता है दोस्तों। ये थोड़ा गंदा हो गया, एक साल हो गया इसको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं मिट्टी भी जम गई है। तो ये है दोस्तों इसका ओवरऑल इंजन, इसका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात करें दोस्तों, फ्रंट में जो हेडलाइट्स है इसकी वो भी काफ़ी अच्छी है, इसका थ्रो भी अच्छा है, लेकिन जब आप इसको हाईवे पर ड्राइव करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से डल फील होंगे क्योंकि जो इसका बल्ब है वो 55 वॉट्स का है, तो वो जो है थोड़ा बहुत आपको परेशानी पैदा करेगा हाईवे ड्राइविंग्स पे। अदरवाइज़ सिटी में, मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में तो काफ़ी रोड लाइट्स है तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसके जो हेडलाइट का थ्रो है वो काफ़ी बुरा है, लेकिन हाईवे पर मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो रहती है दोस्तों। तो इसमें आपको अपग्रेड की ज़रूरत रहेगी अगर आप ज़्यादा हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो दोस्तों। बाकी अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके टायर जो प्रोफाइल है वो है 195/60R16, यानी कि इस सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट है टायर की जो साइज़ है और काफ़ी अच्छा ग्रिप भी मिलता है इसमें। मैंने आपको ABS टेस्टिंग ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस है वो भी दिखाया था आपको इसके टेस्ट ड्राइव करके, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है और टायर का जो साइज़ है वो भी काफ़ी एडिक्वेट है और ये काफ़ी इस गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं जब हाईवे पर आप चलते हैं। और जो काफ़ी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो दोस्तों यही होती है गाड़ी में, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आती है छोटी छोटी चीज़ों से निकल के आती है दोस्तों। अब देखिए सबसे जो प्रैक्टिकल चीज़ है इसके ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का। देखिए रोड से कितना ज़्यादा है ये दोस्तों, आप देखिए रोड पे तो 205 mm, ये केवल नंबर ही नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है। और मेरा आज तक भी, मैंने इसको काफ़ी हाईवे ट्रेन के अलावा इसको रफ पैचेस पे भी चलाया है, ऑफ रोडिंग भी किया थोड़ी बहुत इससे, लेकिन कभी भी मुझे दिक्कत नहीं आई है दोस्तों कि इसमें कभी गाड़ी लगी हो जाए, इसमें इसको टेढ़ी वेढ़ी करना कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधी सीधी आराम से निकल जाती दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके पीछे अगर हम बात करें तो इसका जो ये जो वाइपर है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। देखिए रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर सब कुछ इसमें दिया गया है। देखिए वॉशर है, ये डिफॉगर है और ये आपका वाइपर है। काफ़ी अच्छा, बारिश में मेरे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये काफ़ी इसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है दोस्तों जब हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिकली इसको यूज़ करते हैं। बेस मॉडल में देखिए काफ़ी अच्छी दी गई है फीचर्स इसमें। इसकी बूट स्पेस को अगर हम खोलते हैं दोस्तों तो देखिए बूट स्पेस थोड़ा गंदा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है, सर्विस पेंडिंग है, एक साल पूरा हो चुका है, हालांकि चली नहीं है ये पूरे 10,000 किलोमीटर, हालांकि 3,500-4,000 किलोमीटर चली है, लेकिन फिर भी काफ़ी होते हैं पूरी गाड़ी का ओवरव्यू देने के लिए। अब बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों 336 लीटर का है, एडिक्यूट है। मैं कहूँगा कि काफ़ी हम 4 जनों का जो सामान है, 2-3 दिन की ट्रिप अगर आप जा रहे हो तो काफ़ी आराम से इसमें सामान आ सकता है आपका, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें आपको देखिए हुक्स भी दिए गए हैं दोनों तरफ, छोटा मोटा सामान आपको अगर टाँकना है यहाँ पे तो आप टाँक भी सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए इसकी रूफ रेल्स वगैरह तो सारी प्रैक्टिकली तो इसमें कहते हैं कि ये 50 किलो तक लोड उठा के, लेकिन हालांकि मैंने इसको यूज़ किया नहीं है अभी तक। तो दोस्तों आप देखिए इसके अंदर चलते हैं, बाहर से तो मैंने आपको सारा एक्सटीरियर में जो भी था वो दिखा दिया और इसका इंजन भी मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। अब इसके दोस्तों अंदर पे आते हैं, इसके बात करते हैं इसके स्टेयरिंग पर। तो स्टेयरिंग जो था इसका काफ़ी इसमें दिक्कतें हुई थी शुरुआत में, ये वापस यू टर्न लेने पे वापस नहीं आता था और काफ़ी हार्ड भी था, महसूस नहीं होता था कि ये पावर स्टेयरिंग है, ऐसा लगता था हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है, बहुत भारी आप गाड़ी चलाओ। लेकिन ये जो स्टेयरिंग है मैंने लड़ झगड़ के जैसे भी कंपनी से इसको रिप्लेस करा लिया
ये 32,000 की यूनिट थी, ये पूरा चेंज कर दिया। अब इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया, लाइट वेट हो गया। हालांकि ये हाईवे पे भी थोड़ा बहुत लाइट रहता है, तो वो स्टेबिलिटी, ये इतना कॉन्फिडेंस आपको आता नहीं, लेकिन फिर भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इसकी क्लच की बात करें तो क्लच भी देखिए, ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस ठीक है। थोड़ा बहुत हार्ड है ये, देखिए थोड़ा सा हार्ड है ये, अगर गाड़ियों पर कंपेयर करूँ मैं आपको, थोड़ा बहुत हार्ड है दोस्तों। पावर विंडो की अगर मैं बात करूँ तो पावर विंडो चारों ही बढ़िया है। थोड़ा इसका स्पीड है वो थोड़ा सा कम है अगर और गाड़ियों के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से और इसके पावर विंडोज़ के परफॉर्मेंस से भी दोस्तों। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गियर, जी हाँ ये गियर लीवर है, ये गियर नॉब है। थोड़ा सा आपको नोची सा फील होता है अगर मैं कंपेयर करूँगा इसके कंपिटिटर से, मारुति की गाड़ियों से, हुंडई की गाड़ियों से, थोड़ा सा नोची है। बट इवन दो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अभी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको बैक गियर में लेते हुए, तो मैं अभी सर्विस में इसको दिखाऊंगा, इसको चेक करवाऊंगा जब मैं सर्विस कराने इसकी जाऊंगा। बट इसमें ऐसी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अभी गाड़ी चल ही ना रही हो, ठीक है। स्पेस, स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, देखो काफ़ी सारा स्पेस है इसमें। अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट की और गाड़ियों से इसका कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे परफॉर्मेंस इसमें मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों एसी की अगर हम बात करें तो एसी का भी मैंने आपको परफॉर्मेंस दे दिया है, क्या इसका एसी भी जो है वो काफ़ी एडिक्यूट परफॉर्म करता है। इसमें जो तेज़ गर्मी होती है तब तो आपको पता है हर गाड़ी में ही प्रॉब्लम आएगी, बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसका इशू उठाया था कि भाई इसमें एसी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसकी गाड़ी के पीछे चल लेते हैं हम। तो दोस्तों देखिए इस गाड़ी इस सीट को मैंने पूरा पीछे किया हुआ है फुल, ठीक है। फिर भी आप देखिए मेरे को स्पेस कितना मिल रहा है, दो उंगल का आराम से इसमें स्पेस मिल रहा है मुझे, यानी कि पीछे की जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है। मेरी जो हाइट है 5'11" है, उसके हिसाब से देखिए फिर भी मुझे लेग स्पेस इतना मिल रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये पूरी मैंने पीछे की हुई है, अपने हिसाब से नहीं की हुई, मैंने अभी आपको स्टीयरिंग वगैरह दिखाने के लिए पूरी पीछे कर दी थी। तो अब आप देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, स्पेस तो भर भर के दोस्तों। इसमें हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, जब आप लॉन्ग जर्नी करेंगे पीछे वाले को भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें पॉजिटिव चीज़ है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया। देखिए पीछे भी ये जो लाइट है काफ़ी आपको हेल्प करती है पीछे बैठने वाले को कभी रोशनी की ज़रूरत पड़े तो। ये देखिए ग्रैब हैंडल्स भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर। तो मतलब ओवरऑल जब गाड़ी को हम पूरे प्राइस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो दोस्तों ये कहीं से भी आपको कमी नहीं लगेगी। ये मेरे को बहुत ही अच्छी प्राइस पॉइंट पे 4.99 एक्स शोरूम मिली थी जब मैंने इसको दिसंबर 2020 में बुक करा दिया था, तो उसी प्राइस से मुझे दी गई थी। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि आपने जो बाद में बुक करा, मतलब आपको बाद में देंगे तो उसी प्राइस पे देंगे, जैसा कि अभी स्कॉर्पियो वाले कर रहे हैं। महिंद्रा ने कल काफ़ी गिमिक काम किया है, 55 सेकेंड्स में 25,000 बुकिंग्स कर दी हैं और हुई किसी की भी नहीं बुकिंग। तो दोस्तों उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे ये कंपनियाँ आ गई हैं अपने औकात पर और परेशान कर रही हैं कस्टमर्स को। तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी सोचने वाली बात है, लेकिन निसान इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हालांकि डिलीवरी काफ़ी स्लो थी, बट इवन दो मुझे गाड़ी मिल गई, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। अभी मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका मिस कर दिया है थोड़ा सा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टोटल जो किलोमीटर चलिए 3,667 किलोमीटर चलिए। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं चलिए, मेरा ज़्यादा इतना सिटी में ड्राइव होता नहीं है, अधिकतर मैं इसको हाईवे पे ही रन करता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। मैंने एक बार इसकी ट्रिप रीसेट का इशू बताया था, लेकिन अभी ये हो नहीं रही है, ठीक ठाक काम कर रही है, तो अभी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में है नहीं। तो दोस्तों ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका डिजिटली है, तो बेस मॉडल में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि अच्छा है। जो एनालॉग मीटर्स है वो इसमें कईयों में तो आपको देखेंगे मारुति की जो बेस मॉडल आते हैं उसमें तो आपको टैकोमीटर भी नहीं देते, लेकिन इसमें डिजिटल टैकोमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें ऐसे ही अच्छे लेटेस्ट वीडियो हमारे साथ देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।